प्लीज़ वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कनौना पढ़ाई में और आज हम आ चुके हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज के मेरे चैप्टर का नाम है डे ड्रीम्स और आज हम आ चुके हैं उसके एक लेक्चर वीडियो के साथ सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर की शुरुआत होती है वंस दे लिव अ कपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक वन डे द हजबेंड सेड आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउज इफ बाई चांस आई गेट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस अभी ये जो कुछ uh, कपल्स थे जिनका ये कहना था वो बहुत टाइम ऐसी ऐसी बातों में बिता देते थे और हस्बैंड ने एक बार कहा कि अगर मुझे कैसे आ, मुझे हर बार से कुछ गाय रखने का गाय को फीड करने का और गाय को डोमेस्टिक बनाने का मुझे बहुत दिनों से मन है अगर मुझे कैसे तो भी करके थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल जाए तो मैं काउस खरीदूँगा फिर क्या देखता है but that means a lot of work you have to feed the cows walk them both them milk milk them cows need a lot of looking after them one cow one cow would be enough there is no need to buy more cows said the wife abhi wife ne बट काउस को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा काम पड़ता है उनको खाना खिलाना पड़ता है उनको वॉक पे लेकर जाना पड़ता है फिर उसके बाद उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ती है और एक काउ से ज़्यादा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है एक ही काऊ काफ़ी है जो बीबी ने कहा बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट एंड बाय मोर सेट दसबेंड दैट्स ट्रू द वाइफ आई ग्रीड वुड बी सो सो मच मिल्क दैट वी can even have plenty of dahi and butter and ghee wouldn't it be lovely how lucky it has been have all these earthen pots kept inside i have used one of the pots for milk one for dahi and one for butter the the ghee will i will put in another jar and i will use the remaining pots to send milk to my sister send milk to your sister who said you could send milk to your sister there will be a plenty of milk if we send so many cows how uh, why should shouldn't I send to my sister अगर अभी हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे wife agree करती है जो uh, इसने कहा कि अभी हस्बैंड के ये थॉट्स होते हैं कि उनके पास कितना सारा दही रहेगा कितना सारा बटर रहेगा और कितना सारा घी रहेगा और फिर उस उनके पास कितना सारा दूध रहेगा ये सब करते करते उनकी ऐसी बातें चली जाती है और वो एंड में जा कहता है बाकी का जो दूध रहेगा वो पॉट में मैं मेरे बहन को भेज दूँगा फिर बीबी बोलती है सेंड मिल्क टू योर सिस्टर हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर देर विल बी अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मैनी काउस वाइट शुड आई सेंड इट टू माई सिस्टर अगर आ, फिर उसकी बीवी कहती है उसको सेंड मिल्क टू योर सिस्टर तू अपने बहन को मिल्क कैसे सेंड करेगा तू अपने बहन को मिल्क कैसे सेंड कर सकता है और फिर वो बोलता है आ, कि हमारे पास तो बहुत सारा दूध रहेगा ना इतनी सारी गाय रहेंगी तो उसमें से थोड़ा सा तो मैं मेरी बहन को भेज ही सकता हूँ फिर वो कहता है बिकॉज we are going to sell it in the market that's why I will decide what to do with all that milk and not a drop of it goes to your sister remember और फिर वो कहता है कि जो भी मिल्क आएगा मैं उसे डिसाइड करूँगा कि वो कहाँ जाएगा और वो मेरी मर्जी होगी कि उसका एक भी ड्रॉप जाएगा या नहीं जाएगा उसके बहन के पास तो फिर हम देखती हैं अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये दोनों बातें करते करते ये सारे ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि मेरे पास ये होगा मेरे पास वो होगा पर इनके साथ असलियत में कुछ नहीं है पहले हम सबसे पहले देखेंगे अभी यहाँ पे हम आदत है आई सी हाउ हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर आई विल डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउस सो नेचुरली आई डिसाइड वट्स हेपिंग टू द मिल्क जस्ट ट्राइंग स्टॉप मी माई द वाइफ एक्सक्लेम्ड अभी वाइफ क्या बोलती है तुम मुझे नहीं रोक सकते कि मैं मेरे बहन को कितना दूध भेजूँगी मैं कितना भी भेजूँ वो मेरी मर्जी और वैसे भी तुम तो बस खाने पीने का करोगे काउस के आगे पीछे तो मुझे ही देखना पड़ेगा काउस की देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि काउस का दूध किसको कितना पसंद जाना चाहिए अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले हम अभी यहाँ जाते इज दैट सो शाउटेड द हजबैंड सबसे पहले जो हमारा ये पेज का कॉन्वर्जेशन शुरू है वो यहाँ पे आके कंटिन्यू होता है अभी हम देखेंगे इज दैट सो शाउटेड द हजबैंड वॉच दिस देन ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द दर्दन पॉट्स वन बाई वन एंड हिज वाइफ बिगैन टू स्क्रीम गोपाल बांड Who was that passing by? Heard all the communication and uh, rushed inside. When he heard what happened, he picked up a stone stick and stood in a corner and began to swing it through air and put it on the floor. The husband and wife were both astonished to see his insects. What are you doing? The, they inquired. Moved aside, said Gopal. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander, and now they have ruined my field uh, of beans and cucumbers. ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुंग अभी जैसे ये लोग खयाली बुलाव बना रहे थे इनके हिसाब से एक और आदमी था जो इनकी ये सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए ये सारा नाटक कर रहा था तो इसने क्या किया लाइक like, एक नाटक में इसने स्टिक उठाई और हवा में ऐसे एक्टिंग की कि वो गाय भगा रहा है और वो बोल रहा है तुम्हारी गायों ने मेरे कुकुम्बर्ज और बीन्स की फील्ड के ऊपर ये सब करना शुरू कर दिया और ये ये बंदा इनके सारे कम्युनिकेशन को सुन रहा था बट यू डोंट हैव फिर अभी इन दोनों में से कोई एक कहता है हजबैंड कहते हैं कि बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कोकुम्ब सेट द हजबैंड एज सुन एज ही सेट दैट गोपाल बन स्टॉप वील्डिंग द स्टिक्स एंड लुक्ड एट एंड रेस डायब्रो द हजबैंड एंड वाइफ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज ट्राइंग टू दैम कैन यू से ही वॉन्टेड टू से जैसे मैंने आपको कहा था कि आ, वो उनकी इमेजिनेशन को तोड़ना चाहता था इस इस स्टोरी का यहाँ पे जाके एंड हो जाता है कि वो उसे उनको अब तक नहीं समझ में आया कि वो उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आज के लिए बस नहीं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आगे अगर वीडियो पसंद आगेगा वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तब तक के लिए गुड बाय